ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरे गुरुर्साक्षात् परब्रह्मे तस्मै श्री गुरु वे कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए एक आरती बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, लेकिन मेरे सतगुरुदेव संत बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, मेरे सतगुरुदेव बापू कल्याण दास जी महाराज, मेरे सतगुरुदेव बापू दया कृष्ण जी महाराज अकेले ही काफी हैं जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। क्योंकि दुनिया में दो ही चीजें हैं, सबसे अच्छे स्थान दो ही हैं, या तो किसी के दिल में रहना या किसी की दवाओं में रहना। क्योंकि जो बात दुआ भी कर ना सके वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है, और मुर्शिद वही है जो आंसुदाएं मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स दिखा देता है। क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और जो शिव है वो सुंदर है, और अगर शिव सुंदर है तो उसका बनाया हुआ ये संसार भी सुंदर है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, और जिस व्यक्ति के भीतर दूसरे के प्रति कल्याण की भावना होती है, मंगल की कामना होती है, वही शिवमय हो जाता है। तो उस भोले शंकर को हम याद करेंगे इस भजन के द्वारा। ओ मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। ओ मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। शिव सृष्टि में एक महादेव रे, मन भजले नमो शिवाय। शिव सृष्टि में एक महादेव रे, मन भजले नमो शिवाय। मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र ये श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। जब राम ने करी चढ़ाई, पहले शिव से अर्ज लगाई। जब राम ने करी चढ़ाई, पहले शिव से अर्ज लगाई। जब राम ने करी चढ़ाई, पहले शिव से अर्ज लगाई। जब राम ने करी चढ़ाई, पहले शिव से अर्ज लगाई। रावण कर दीना ढेर रे, मन भजले नमो शिवाय। रावण कर
दीना ढेर रे, मन बदले नमो शिवाय, मन बदले नमो शिवाय, मन बदले नमो शिवाय, मन बदले नमो शिवाय, मन बदले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन बदले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन मासुर सब लाए फूल दौड़े रोरे आए, चाहे बस मासुर सब लाए फूल दौड़े दौड़े आए, चाहे बस मासुर सब लाए फूल दौड़े दौड़े आए, चाहे बस मासुर सब लाए फूल दौड़े दौड़े आए। एक पल ना करते दे एक पल ना करते देर रे, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमः शिवाय। एक स्वर्ण समेल बनवाया फिर ब्राह्मण भोज रचाया, एक स्वर्ण समेल बनवाया फिर ब्राह्मण भोज रचाया, एक स्वर्ण समेल बनवाया फिर ब्राह्मण भोज रचाया, एक स्वर्ण समेल बनवाया फिर ब्राह्मण भोज रचाया। दिया महल दान में दे रे, मन भजले नमो शिवाय, दिया महल दान में दे रे, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमः शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमः शिवाय। दर्श है करना तो ध्यान गुरु का धरना, जो शिव का दर्श है करना तो ध्यान गुरु का धरना, जो शिव का दर्श है करना तो ध्यान गुरु का धरना, जो शिव का दर्श है करना तो ध्यान गुरु का धरना। तुझे शिव से वही मिलाए रे, मन भजले नमो शिवाय, तुझे शिव से वही मिलाए रे, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय। शिव सृष्टि में एक महादेव रे, मन भजले नमो शिवाय, शिव सृष्टि में एक महादेव रे, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमो शिवाय, मन भजले नमः शिवाय, मन भजले नमो शिवाय। मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय, मंत्रों में मंत्र श्रेष्ठ रे, मन भजले नमो शिवाय।
कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी, आदि से पुनियाद और तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी से आदि घड़ी भी यदि हमारी सत्संग के अंदर लग जाए, आदि से भी आदि, तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, पंडित भया ना कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, जिसने ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ लिए, फिर उसको किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा ऐसा बताते हैं कि पूर्णमासी के दिन कहीं सत्संग करते थे। अब वो सत्संग करते, वहां पर भक्त जन आते, उनको आकर तिलक करते, सत्संग आकर वहां पर सुनते, माला उनके गले में डालते। अब इस दृश्य को कहते हैं कि एक गवाला देखता, नित्य देखता, उसके भीतर भी एक ललक हो गई, उसके भीतर भी एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं भी क्यों ना संत महापुरुषों को तिलक करूं, दो घड़ी जाकर संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर सत्संग सुनूं। अब लगन ही इंसान की जो गगन तक पहुंचा देती है, जहां चाह है वहां रहा है। अब उस गवाले के मन के अंदर जब ये बात आई कि चलो दो घड़ी सही, चलो संत महापुरुषों के चरणों में मैं बैठ जाता हूं, अब उसने क्या किया, देखा देखी ही, क्योंकि लोग वहां पर जा रहे थे, सब लोग आते सत्संग सुनते, संत महापुरुषों के दर्शन करते, तिलक करते, उसके भीतर भी इच्छा पैदा हो गई। उसने क्या किया कि एक दिन एक हार लिया, हार लेकर सामान लेकर पूजा का वो महात्मा जी के पास पहुंच गया, महात्मा जी को जाकर तिलक किया, दो घड़ी का सत्संग वहां पर ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उसने क्या किया, वापिस आया, अब समय उसका पूर्ण हो गया। अब एक दिन क्या हुआ, जब उसका समय पूरा हो गया, अब यमपुरी के अंदर क्या हुआ कि उसका हिसाब किताब देखा गया, चित्रगुप्त ने कहा भाई देखो इसने क्या किया है जिंदगी के अंदर। उसने कहा महाराज और तो इसने कुछ नहीं किया, ना तो कोई पाप किया ना कोई पुण्य किया। कहने लगे फिर भी बताओ ना इसने क्या किया, सारा इसका जीवन बीत गया, इसकी मृत्यु हो गई। कहने लगे हां महाराज एक काम इसने किया है कि इसने दो घड़ी संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर, वो भी देखा देखी, महापुरुषों को तिलक किया, गले में हार डाला, दो घड़ी सत्संग सुना। चित्रगुप्त ने कहा कि ऐसा है इसका ये खाता है। कहने लगे हां महाराज। तो यमराज ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि इसको दो घड़ी के लिए, क्योंकि ये दो घड़ी संत महापुरुषों के चरणों में बैठा, इसको दो घड़ी के लिए इंद्र का राज्य दे देते हैं, इंद्र बना देते हैं इसे दो घड़ी के लिए। अब आप देखिए कि उसको दो घड़ी के लिए इंद्र बना दिया गया। अब दो घड़ी के लिए जब उसको इंद्र बना दिया गया, लेकिन उसको क्या हुआ, खुशी ना हुई, क्योंकि वो जिंदगी जीना नहीं जानता था। जैसे कई इंसान होते हैं, उनको धन तो उनके पास होता है, लेकिन उनके पास खर्च करने का तरीका नहीं होता कि किस प्रकार से हमने उस धन का सदुपयोग करना है। अब उसको मिल गया इंद्र का आसन, लेकिन मन के अंदर कोई खुशी नहीं, क्योंकि मन की आदत क्या है, जो मिल जाता है उसको इंसान भूलता चला जाता है। जब तक नहीं मिलता तब तक इंसान उसके लिए प्रयास करता रहता है, डू ट्राई अगेन, एक के बाद एक प्रयास करता है। लेकिन जब हमें कोई चीज मिल जाती है, क्योंकि मन की आदत है, जो मिल जाता है उसका महत्व नहीं समझता, उसकी बात को नहीं समझता कि ये जो मुझे मिला
अब उसको मिल गया जीने का ढंग नहीं था उसके पास, लेकिन एक दिन गुरु आ गए। एक ब्रह्मनिष्ठ संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा क्यों भाई एक बात तो बताओ, ये तुम्हें राज्य मिला है दो घड़ी के लिए? कहने लगे हां महाराज मुझे दो घड़ी के लिए राज्य मिला है, लेकिन तुम्हें इसका सदुपयोग करना नहीं आता, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ऐसा दर्शा रहा है कि तुम खुश नहीं हो। कहने लगे हां महाराज मुझे पता नहीं है। कहने लगे तुम्हें मिला कैसे ये? कहने लगे ऐसा है महाराज, मुझे ये जो दो घड़ी के लिए इंद्र का आसन मिला, क्योंकि मैं दो घड़ी संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर मैंने सत्संग श्रवण किया। कहने लगे भाई अगर तू दो घड़ी अगर तूने ये किया तो 33 करोड़ देवी देवता तेरी सेवा में बैठे हैं। अरे भाई अगर तूने अपना ये दो घड़ी का समय का अगर तुमने सदुपयोग कर लिया, क्योंकि समय है दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती है, समय से कीमती दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है, एक बात आप समझना। समय है जो निर्धन को धनवान बना देता है, निर्बल को बलवान बनवा देता है, और समय है जो इंसान को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज कर ले, जो आज करना है उसे अभी कर ले, और जो अभी करना है उसे तुरंत कर ले, क्योंकि कल दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। अब उस गुरु ने, उस महात्मा ने उसको गुरु दे दिया, विधि बता दी, मेथड बता दिया, तरीका बता दिया समय के सदुपयोग करने का। उसने कहा अगर तू ये दो घड़ी अगर तू महात्मा जी के चरणों में बैठा, तुझे ये इंद्र का आसन मिल गया, और अगर तूने इस दो घड़ी का सदुपयोग किया तो ना जाने तेरे पर क्या कृपा हो जाए, क्योंकि जो चाह से मिलता है उसको चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसको मन्नत कहते हैं, लेकिन जो बिना चाह और मांगने के मिलता है उसे गुरु की रहमत कहते हैं, गुरु की रहमत कहते हैं। ये गुरु की ही कृपा होती है। आप देखिए अब गुरु ने उसको गुरु बता दिया, मेथड बता दिया, जीने का तरीका बता दिया कि आप अपने समय का सदुपयोग करो। सोच बदल गई। अब जैसे ही उसकी सोच बदली उसने क्या किया, उस दो घड़ी जो उसको और समय मिला हुआ था उसने क्या किया, सेवा करनी शुरू कर दी, भलाई के कार्य करने शुरू कर दिए, जगह जगह लंगर लगाने शुरू कर दिए, भंडारे के आयोजन करने शुरू कर दिए। इतने में ही कहते हैं कि वे दूत वहां पर आ गए, कहने लगे ऐसा है आपने पहले दो घड़ी का सदुपयोग किया, और ये जो अब आपको घड़ी मिली थी इसका आपने सदुपयोग किया है, अब आपको लिए 100 वर्ष के लिए इंद्र का आसन दे दिया जाता है। आप ये देखिए कि अगर हम अपने जीवन का एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी घड़ी पुने हाथ, अगर एक घड़ी से आधी घड़ी और आधी घड़ी से भी हमने अपना एक क्षण, एक सेकंड भी अगर हमने इस तरफ लगा दिया तो हमारा जीवन बदल गया। जिसके ऊपर गुरु की रहमत हो जाती है, देखिए गुरु की कृपा हो जाती है। आप देखिए कि एक बेटी और पिता दोनों एक बार पुल को पार कर रहे थे। ये गुरु की रहमत देखिए, जिस जिसने गुरु का पल्ला पकड़ लिया जिंदगी के अंदर और जिसके जीवन के अंदर पूर्ण गुरु आ गया, जिंदगी के आप किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, अगर आपने अपने गुरु को याद कर लिया। हम हमेशा कहा करते हैं कि जब तेरे से न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो परमात्मा के विश्वास पर छोड़ दे तू बंदे, और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू न कर सका वो तेरा भगवान करेगा, जो तू न कर सका वो तेरा भगवान करेगा। जो गुरु पर छोड़ देते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। अब एक बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी, एक पुल को पार कर रही थी। बात को आप समझना, अब पुल के ऊपर जैसे ही वो पार करने लगी तो वहां पर पानी का बहाव था। पिता ने बच्ची से कहा कि बेटी ऐसा है पानी का बहुत बहाव है, ऐसे करो कि तुम अपना हाथ मुझे पकड़ा दो। जब दोनों ने ये बात की, क्योंकि नीचे नदी बह रही थी,
ऊपर पानी चल रहा था। जब बच्ची की ओर संकेत किया कि बच्ची तुम मेरा हाथ पकड़ लो, पिता ने कहा अच्छा बेटी, मैं अगर तेरा हाथ पकड़ लूं लेकिन तू अगर मेरा हाथ पकड़ ले तो क्या फर्क पड़ता है। उस बच्ची ने कहा पिताजी बात यह है, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, अगर कोई अचानक कोई घटना घटित हो गई तो हो सकता है कि मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है मेरे पिताश्री, अगर आपने मेरी उंगली पकड़ ली, यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, कैसी भी स्थिति आ जाए लेकिन आप मेरा हाथ छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही अगर आपका पल्ला अगर गुरु ने पकड़ लिया है तो गुरु आपको भवसागर से पार जरूर कर देंगे, भवसागर से पार आपको जरूर कर देंगे यदि आप उस गुरु के ऊपर विश्वास रखोगे। क्योंकि दिल अगर न माने खुदा, कोई हकीकत ही नहीं, और दिल अगर मान ले तो पत्थर भी खुदा होता है। अगर गुरु ने आपका पल्ला पकड़ लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया। देखिए नन्ही सी चींटी, मान लो कि अगर वो दिल्ली के अंदर अपने किसी घर के अंदर रहती है और अगर वो अपने घर की यात्रा कर रही है, बात को समझना, तो उसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं भाई। घर की यात्रा के लिए ही उस छोटी सी चींटी को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन काश अगर वही चींटी किसी व्यक्ति की कमीज के ऊपर बैठ जाए, किसी का पल्ला पकड़ ले, तो आप देखिए उस चींटी ने अगर वहां से गदरपुर आना हो, इस दरबार के अंदर आना हो और दर्शन करने हो, तो आप ये देखिए, और उस व्यक्ति ने अगर दिल्ली से गदरपुर आना है तो उस चींटी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रयास के अगर वो व्यक्ति गाड़ी के अंदर बैठकर यहां आ रहा है तो वो बिना प्रयास के ही वो चींटी गदरपुर धाम के अंदर पहुंच जाएगी। ऐसी जो व्यक्ति, हमने बताया कि जो गुरु का पल्ला पकड़ लेते हैं वो अनायास इस भव से पार हो जाते हैं। जिन्होंने गुरु की शरण ले ली, जो गुरु के जिन्होंने चरणों के अंदर अपना शीश कर दिया, हम ये भी कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन के अंदर समर्पण करो तो आपका 100% समर्पण होना चाहिए, और जब भी आपने समर्पण किया आपका जीवन बदल गया। हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा की बात, अभी मैं पढ़ रहा था एक बहुत सुंदर भाव विश्वास का। हमने बताया कि अगर इंसान मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एक व्यक्ति बहुत परेशान, अब इतना परेशान, जब कोई इंसान परेशान होता है तो जगह जगह पर वो जाता है कि कहीं से मेरा रास्ता निकल जाए। एक व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई तू बहुत परेशान है, देखिए परमात्मा तो आपके ऊपर निरंतर कृपा करता रहता है, हर समय आपके ऊपर नजर इनायत है, उस परमात्मा की उसकी बख्शिश हर समय हो रही है, सूर्य तो हर समय अपना प्रकाश दे रहा है, अब उससे कौन लाभ ले सकता है। ये तो वो इंसान ही समझता है। अब वो व्यक्ति परेशान, क्योंकि आज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। हर इंसान कोई ना कोई दुख उसके भीतर समाया हुआ है, वो रास्ता ढूंढता रहता है कि कहीं से मुझे कोई मार्ग मिल जाए, कहीं से कोई मुझे बुद्धिजीवी मिल जाए जो मेरे जीवन को बदल दे, मेरे इस दुख दर्द से मुझे दूर कर दे। एक व्यक्ति उसको मिला, कहने लगे भाई ऐसा कर, तू बड़ा परेशान रहता है ना। कहने लगे हाँ, तू ऐसे कर, तू ठाकुर जी की पूजा कर, ठाकुर जी की मूर्ति ले आ और अपने घर के अंदर रख, पूजा कर। अब वो ठाकुर जी की मूर्ति ले आया, अपने घर के अंदर आकर उसने ठाकुर जी की मूर्ति रख दी, रोज धूप बत्ती करता, 6 महीने बीत गए। कहने लगे भाई ये जो ठाकुर है ये कुछ मेरा करने वाले नहीं है। थोड़े दिन के बाद उसने सोचा कि ऐसे करता हूं, भगवान शंकर की मेरे पर कृपा हो जाएगी। अब भगवान शंकर और पार्वती जी की एक मूर्ति ले आया, उसने क्या किया कि ठाकुर जी की जो मूर्ति थी
वो वहां से उठाई और उससे ऊपर वाले स्टेप पर रख दी। और इधर भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति नीचे स्थापित की। अब नित्य जो उसका नियम था, उसने क्या किया, चलो भोले शंकर की पूजा करता हूं। अब भोले शंकर और पार्वती जी की वो पूजा करने लग गया, क्योंकि परेशान आदमी तो हर वक्त कहीं से मिलता है, कहीं से मुझे रास्ता मिल जाए, कोई मेरे पर रहमत कर दे, कोई मेरे पर कृपा कर दे। अब उसने क्या किया, एक दिन अचानक वो धूप बत्ती कर रहा था। धूप बत्ती करते करते क्या हुआ कि वो जो धूप का धुआं था, जो अगरबत्ती का धुआं था, वो ऊपर ठाकुर जी के नाक की तरफ जाना शुरू हो गया। उसके भीतर एक ख्याल आया कि मेरे ठाकुर को तो बहुत परेशानी हो रही होगी, इनके नासका के अंदर धुआं जा रहा है। उसने क्या किया, अपना हाथ ठाकुर जी की ओर किया। जैसे ही ठाकुर जी की ओर किया तो ठाकुर जी ने अपना हाथ बाहर निकाल लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। एकदम ठाकुर जी प्रकट हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, ठाकुर जी एक बात तो बताओ, मेरी समझ में नहीं आई, मैं आपकी इतने दिन पूजा करता रहा, आपने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आज ठाकुर ने कहा, बांके बिहारी जी ने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो वहीं था, बस तुझे उस बात का एहसास नहीं हो रहा था। जिस दिन इंसान को एहसास होना शुरू हो जाता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूज वाली आंख ने पहचान की, जिसके पास वो सूज की आंख है, जिसके पास वो गुरु की दी हुई आंख है, अगर वो हमें वो दिव्य दृष्टि मिल जाए तो परमात्मा तो हमारे हर जगह, जहां भी हमारी दृष्टि जाती है वहीं परमात्मा का रूप है, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं हैं। मैं अभी एक स्टोरी पढ़ रहा था, बड़ी सुंदर, जहां से भी कोई अच्छी चीज मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई या ता सास चंगी होवे तो या दीवार ते टंगी होवे, ऐसा इंसान बोल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अच्छी अच्छी माताएं भी हैं। अपनी फीलिंग की बात है कि आदमी इंसान किस प्रकार से उसको, क्योंकि हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है, लेकिन जब हमारे भीतर प्यार पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, और हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमने जीना है। एक युवती, उसका नया नया ब्याह हुआ, अब उसकी शादी हुई। अब शादी हो जाने के बाद आप देखिए क्या हुआ, उसकी और सास की आपस में पटी नहीं, 36 का दोनों का आंकड़ा। लेकिन वो बताते हैं कि जिसका स्वभाव बदलता है उसका संसार बदलता है। हमारे भीतर जो सहन शक्ति है वो हमारे जीवन को बदल देती है, क्योंकि आज हमारे भीतर सहन शक्ति की कमी हो गई, हम किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। एक एक मिनट के अंदर हम अपने भाव बदल लेते हैं, हम अपने फैसले बदल लेते हैं, लेकिन जिसके भीतर सहन शक्ति है, जो विनम्र है, नम्रता का मतलब क्या होता है कि जो ना मरता, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता का भाव आ गया, सहने का भाव आ गया, जीने का ढंग आ गया, उसके लिए कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। अब युवती का हमने बताया कि शादी हुई उसकी, कुछ दिन बीत गए, बात बड़ी समझने की है। अब जब उसके कुछ दिन बीत गए, बीतने के बाद क्या हुआ, 4-5 महीने बीते, वो बच्ची बहुत परेशान हो गई, कहने लगी कि मेरा ऐसा है कि मेरा सास के साथ पटरी बैठ नहीं सकती। लेकिन उसका पिता बड़ा संस्कारी था, वो महापुरुषों की सेवा करता, गुरुओं की सेवा करता। अब बच्ची बड़ी परेशान हो गई, कहने लगे कि मेरी सास के साथ बनने वाली नहीं है। वो अपने मायके आई। अब जब वो अपने मायके आई तो मायके आकर परेशान होकर अपने पिता को कहने लगी, उसके पिता डॉक्टर थे, आकर कहने लगी, ऐसा है पिताजी, मेरी सास के साथ नहीं बनती, मुझे बड़ी उसके साथ नफरत है।